दोस्तों पाइथन ट्यूटोरियल में फिर से आपका स्वागत है। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर थे जिन्हें एक्सेल का आइडिया तो है लेकिन पाइथन के बारे में आइडिया नहीं, पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं, लाइब्रेरी कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम एक अपने सब्सक्राइबर का पीसी रिमोट पे लिए हैं और इनके पीसी में कुछ भी इंस्टॉल है, ना ही पाइथन इंस्टॉल है, ना ही इसके लाइब्रेरी इंस्टॉल है, ना ही हमारे सुनिया के व्हील्स इंस्टॉल हैं। तो हम लोग सब कुछ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे हमें इंस्टॉल करना है। और हमारा फर्स्ट लास्ट टारगेट रहेगा, हमने जो भी टूल बनाया है, पाइथन बेस्ड टूल बनाया है या तो ओपन ब्रेकआउट हो या एक्सेल बेस्ड ट्रेडिंग हो, तो उस फाइल को एग्जीक्यूट कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें पीसी में पाइथन इंस्टॉल करना है, तो हमें गूगल क्रोम जाना है। गूगल क्रोम में हमें सर्च करेंगे पाइथन फॉर विंडोज। तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है डाउनलोड पाइथन, तो डाउनलोड पाइथन पे चलेंगे। हमने डाउनलोड पाइथन पे गए, यहाँ पे आपको दिख गया ऑप्शन डाउनलोड पाइथन, इस पर क्लिक करिए, एक फाइल आपके डाउनलोड हो स्टार्ट हो गई, ये डाउनलोड हो चुका है। अब इसे हम लोग देखते हैं कहाँ डाउनलोड हुआ है, ये इस फाइल फोल्डर में डाउनलोड हुआ है। इसको हम लोग डबल क्लिक करेंगे तो एग्जीक्यूशन इसका इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। हमने इस पर डबल क्लिक किया है, वेट करते हैं, कुछ पॉपअप स्क्रीन आएगा, हमसे इनपुट लेगा, हमें इसे बोलना है कि इंस्टॉल नाउ। एक चीज़ यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा, एक नीचे ऑप्शन है ऐड पाइथन 3.10 to path, इसे आपको टिक करने ही करना है। अगर नहीं करिएगा तो फिर आपको बाद में इसको सेटिंग में जाकर सेट करना पड़ेगा, तो बेटर है कि वो सब सेटिंग से बचने के लिए हमने इसे टिक करना है। ओके, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ये टिक होना चाहिए, ये काफ़ी मैंडेटरी चीज़ है, नहीं तो फिर पाइथन आपका खुद से सेटिंग करना पड़ेगा। तुमने ऐड कर दिया पाथ में इंस्टॉल नाउ, ये देखिए इंस्टॉलेशन लगभग कंप्लीट होने का है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपने हमने पाइथन अगर इंस्टॉल हो जाएगा तो हम अब किसी फाइल को रन करके देखेंगे कि क्या हो रहा है, कुछ आउटपुट आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या उसमें प्रॉब्लम हो रही है। फिर हम लोग वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप, जैसे अभी प्रॉब्लम इसमें आने वाले हैं, हमने अभी सुनिया का इंस्टॉल नहीं किया है, सुनिया का सेटअप, तो वो इरर आएगा, सुनिया का सेटअप नहीं है, कुछ हमारा लाइब्रेरी जो रहेंगे वो सारे इरर आएंगे। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सारे इरर को देखेंगे। फर्स्ट हमें पाइथन होना चाहिए, तो हम फर्स्ट स्टेप में हम लोग पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं। चलिए सेटअप सक्सेसफुल, हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग चेक कैसे करेंगे पाइथन हमारे पीसी में आया कि नहीं आया। हम लोग यहाँ पे सर्च में करेंगे सीएमडी लिखिएगा तो कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा। कमांड प्रॉम्प्ट में आप लिखिएगा पाइथन स्पेस हाइफन वी, वी फॉर वर्जन, तो देखिए क्या आता है। ये चीज इतने सारे चीज़ें आ गया, पाइथन का वर्जन आ गया, मीन्स हमारा पाइथन इंस्टॉल हो चुका है। तो एक चीज़ हमने श्योर हो गई कि पाइथन हमारा इंस्टॉल किया और पाइथन हम लोग यहाँ पे रन कर पाए। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2 + 3, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट 5 आ गया, मतलब पाइथन हमारे सक्सेसफुल इंस्टॉल हुआ है और ये काम कर रहा है। तो पाइथन हो गया हमारा इंस्टॉल। अब हम लोग कोई सेटअप फाइल डाउनलोड करते हैं, उसको रन करते हैं। तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर जाते हैं, टेलीग्राम चैनल में आपको जाने पर आपको फाइल सेक्शन जाना होगा। फाइल सेक्शन में देखिए काफ़ी फाइल्स ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखेंगे। ये पाइथन ट्रेडर टर्मिनल एंड एक्सेल पाइथन ट्रेडर .py, ये दोनों फाइल को डाउनलोड करना है। यहाँ पे क्लिक करिएगा, ये डाउनलोड स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ भी क्लिक करिएगा तो ये डाउनलोड हो जाएगा। अब इसको फोल्डर को हम लोग ओपन करते हैं, कीप करिएगा ताकि ये फाइल इसमें स्टोर कर सके। फाइल लोकेशन को हम लोग ओपन करते हैं, हमने इसे ओपन कर दिया है। यहाँ पे हमारे दो फाइल डाउनलोड हुए हैं, एक एक्सेल पाइथन ट्रेडर और एक हमारा एक्सेल सीट, दो चीज़ें हुआ है। इसको हमने सपोज करिए कि एक फोल्डर में डाल लेते हैं, आप इस फोल्डर को कहीं भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक बनाया है फोल्डर एल को। ओके ठीक है, अभी अब मुझे ये हमारे पास पाइथन फाइल है और ये हमारे पास एक्सेल सीट है, तो पाइथन प्रोग्राम को रन करने के क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ भी फाइल है आप इसके ये यहाँ पे जाके सीएमडी लिखिए और एंटर करिए। ये कमांड प्रॉम्प्ट हो जाएगा। आप फाइल को रन करने के लिए py space
ये फाइल का नाम देना है जो मेरा PY फाइल है। तो हम लोग डबल कोट्स के अंदर ये फाइल नेम दे दिए ताकि ये हमारा विथ स्पेस है तो कोई इशू नहीं करेगा, नहीं तो आपको एरर आएगा। तो PY स्पेस डबल कोट्स फाइल का नेम complete.py तक देना है आपको, डबल कोट्स क्लोज। अब हम लोग इंटर करते हैं तो देखिए एरर आया, नो मॉडल नेम नॉर रेस्ट API, यानी कि हमें सुनिया के API नहीं मिला इसे। तो सुनिया की API हमें डाउनलोड करना होगा, तो हम लोग चलेंगे गूगल पे वापस फिर से। हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे, आप सर्च करिएगा सुनिया गिटहब। सुनिया गिटहब सर्च करने पे जो लिंक आएगा github.com sunia-dev, यहाँ पे चलेंगे हम लोग फर्स्ट लिंक पे। हमने सुनिया गिटहब किया था, फर्स्ट लिंक पे हम लोग है। यहाँ पे इसमें एक फर्स्ट फोल्डर के अंदर जाएंगे हम लोग, DIST के अंदर हम लोग गए। यहाँ पे देखिए एक फाइल मिलेगा आपको .whl, इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे। इस फाइल पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे इसको डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो हम इसको डाउनलोड करते हैं। देखते हैं कहाँ डाउनलोड हुआ, ये फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। अब इस फाइल को हमें इंस्टॉल करना है, तो इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कोई भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास एक कमांड रहता है पिप इंस्टॉल का। स्मॉल में लिखना है, PIP कोई कैपिटल नहीं, स्मॉल में पिप इंस्टॉल और ये फाइल नेम, ये फाइल नेम। तो पूरी मैं ड्रैग करके लाता हूँ तो पूरा कंप्लीट पाथ आ जाएगा। इंटर करते हैं, देखते हैं क्या हो पाता है या कुछ एरर आता है। चलिए इंस्टॉलेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है, यानी कि ये हमारा नॉरेन API इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं फिर से वापस इसको रन करने की कोशिश करता हूँ, हमारा जो फर्स्ट हमने ट्राई किया था। यहाँ पे एक चीज़ बताऊँ, कभी कभी आप पिप डालिएगा तो आपको पाथ नहीं आएगा, बोलेगा पिप नॉट फाउंड। तो उस केस में क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना है, सर्च करना है पाइथन। पाइथन देखिए, पाइथन एप्स में यहाँ पे ये आपके आ गए पाइथन। इस पे आप करके ओपन फाइल लोकेशन करेंगे, हमने फाइल लोकेशन किया। अभी भी ये देखिए शॉर्टकट है, फिर से हम लोग राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से फिर से जाएंगे ओपन फाइल लोकेशन। फर्स्ट हमें शॉर्टकट का पाथ मिला, सेकंड हमें ये पाथ मिला यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग चलेंगे स्क्रिप्ट्स के अंदर, स्क्रिप्ट आप डायरेक्ट भी आ सकते हैं जहाँ पे आपका इंस्टॉल था। तो हम लोग सर्च करते हुए हैं और यहाँ पे आपको पिप मिल गया। यहाँ पे आके आप CMD लिखिएगा तो ये कंप्लीट पाथ आ जाएगा। यहाँ पे आप लिखेंगे पिप इंस्टॉल, जो भी इंस्टॉल करना है, सपोज करिए मुझे इंस्टॉल करना है, सपोज कर लेते हैं कि हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं पांडाज को, इंस्टॉल कर लेते हैं पिप इंस्टॉल पांडाज लिखेगा तो पांडाज का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर नॉर्मल पिप इंस्टॉल लिखने से नहीं आ रहा है, पिप देने से पाथ नहीं आ रहा है, तो आपको सर्च करके जाना होगा, पिप का लोकेशन तक पहुंचना होगा। जैसे इनके केस में सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ा, पिप दिया तो मैंने आ गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पाथ सेट नहीं होता, जो हमने स्टार्टिंग में बताया था ना पाथ सेट करना पड़ता है। अगर आपने पाथ सेट नहीं किया तो आपको सर्च करके यहाँ तक आना पड़ेगा और फिर आपको ये पिप कमांड देना होगा। चलिए ठीक है, तो फिलहाल मैं इसे, हमारा नोरेन इंस्टॉल हो चुका है। हम लोग अब इस फाइल को रन करते हैं, एल्गो के अंदर जो हमारा एक्सेल सीट वाली फाइल थी .py, फिर से रन करते हैं। अभी देखिए, अभी जो जो लाइब्रेरी मुझे और चाहिए, फर्स्ट मुझे क्या बोला था, नॉरेन API, मतलब हमारा ये नॉरेन API को इंस्टॉल करने में डाउनलोड करना पड़ता है, बाकी दूसरे जो मॉड्यूल आएंगे उसे डाउनलोड करने की जरूरत नहीं रहता। आप डायरेक्ट यहाँ पे लिखिएगा मॉड्यूल नेम, जैसे कि कौन सा मॉड्यूल आया है, ये बोल रहा है कि मुझे रिक्वेस्ट नहीं मिला, नो मॉड्यूल नेम रिक्वेस्ट है। तो हम लोग कैसे इंस्टॉल करेंगे, पिप ऑल स्मॉल पिप इंस्टॉल RQ, जो मॉड्यूल यहाँ पे लिख रहा है आपको ये नहीं मिला, ये नॉर्मल पाइथन हर के लिए। आप कभी प्रोग्राम रन करिएगा कोई ऐसा एरर आता है नो मॉड्यूल नेम रिक्वेस्ट, तो आप पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट करिए, वो मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए अभी इंस्टॉलेशन चालू हो गया है, डाउनलोडिंग हो रहा है, अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है, इंस्टॉलेशन हो चुका है। नीचे हम लोग इसमें पांडा चल रहा था, पांडा भी चल ही रहा है, ठीक है। तो और देखते हैं और क्या क्या एरर आता है। हमने एक रिक्वेस्ट लाइब्रेरी किया, सेकेंड आया वेब सॉकेट, वेब सॉकेट मॉडल नहीं मिला मिला मुझे। सेम स्टेप
पिप इंस्टॉल वेब सॉकेट, जो भी आपको मॉड्यूल नहीं मिले उसे आप पिप इंस्टॉल करिए, और बगल में मॉड्यूल का नेम लिखिए। तो यहाँ पे क्या था, वो वेब सॉकेट, तो वेब सॉकेट को हमने एंटर किया। अभी हमारा वेब सॉकेट इंस्टॉलेशन एरर कमांड, ओ इंस्टॉल में हमारा एक एल मिसिंग था, तो वेब सॉकेट मॉड्यूल अभी इंस्टॉल कर देगा ये। अब नेक्स्ट ये कंप्लीट हो जाए और नेक्स्ट फिर से देखेंगे। रनिंग सेटअप, क्योंकि अभी रन करेगा तो बोलेंगे वेब सॉकेट नहीं मिला, क्योंकि वेब सॉकेट का इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो हम लोग वेट कर लेंगे वेब सॉकेट कंप्लीट हो जाए, फिर हम लोग इस फाइल को रन करेंगे। चलिए वेब सॉकेट कंप्लीट हो गया, फिर से हमने रन किया पाई और बगल में फाइल नेम दिया, अभी एक्सेल विंग्स नहीं मिला। तो सिमिलर स्टेप हम करेंगे, क्या करेंगे, पिप इंस्टॉल एक्सेल विंग्स। काफी सिंपल है दोस्तों, सिर्फ आपको नोरेन के लिए जाना है डाउनलोड करना है, बाकी जो भी मॉड्यूल नहीं मिले कभी भी पाइथन में आपको सिंपल सा कमांड फॉलो करना है, पिप इंस्टॉल मॉड्यूल नेम, दैट्स इट। पांडाज का क्या है स्टेटस, पांडाज इंस्टॉल हो चुका है, ओके गुड। पांडाज को क्लोज कर देते हैं, दो ही टर्मिनल पर रखते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये है वो टर्मिनल जहां पे हमारा पाइथन फाइल पड़ा हुआ है, फिर से रन करते हैं, इस बार कुछ एरर नहीं आया है, गुड। ठीक आ गया, हमें मॉड्यूल नहीं मिला पाई ओटीपी, फिर से हम लोग इंस्टॉल करते हैं पिप इंस्टॉल पाई ओटीपी। अब फिर से हम लोग इस फाइल को रन करते हैं, देखते हैं कुछ नया ही रन आता है। और ये सभी दोस्त वन टाइम सेटअप है, जो फर्स्ट टाइम आप रन करिएगा तो ये सब एरर आएगा। ये एरर इनमें आया है क्योंकि इनके पीसी में एक्सेल सीट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है, इस कारण ये एरर आ रहा है इनके पीसी में। जैसे कि हमने स्क्रिप्ट फोल्डर को बंद करते हैं, जो काम करने के बंद करते हैं, एल्गो के अंदर चलते हैं, जैसे कि ये फाइल को ओपन कर रहे हैं एक्सेलस फाइल को, तो यहाँ पे है नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि इनके देखिएगा एक्सेल नहीं है। अगर ये एक्सेल होता, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता, तो ये फाइल ओपन हो जाता। ठीक है, जैसे मैं अपने पीसी में शो करके दिखाता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, तो कैसा दिखता है आपको, एक्सेल बेस्ड ट्रेडिंग, ये देखिए मेरे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है तो मुझे ऐसा यहाँ पे फाइल दिख रहा है, जबकि इनके पीसी में एक्सेल नहीं है तो ये फाइल ऐसा दिख रहा है व्हाइट कलर का। तो फिलहाल मैं अपने में आपको रन करके दिखाता हूँ, हमने इंस्टॉलेशन सारा चीज अब कंप्लीट होगा, अब उनके पीसी में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है मुझे। तो हमारा एक्सेल फोल्डर किधर गया, एक्सेल बेस्ड ट्रेडिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ओपन करेंगे, ओपन करके हमें सबसे पहले इस क्रेडेंशियल डाल देंगे, क्रेडेंशियल डाल देंगे, ये यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा वैल्यू, या रहेगा कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन हमने सपोज किया कि हमने हटा दिया कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपको क्रेडेंशियल डालना है, यूजर आईडी, पासवर्ड, यूटीपी, वेंडर कोड, एपीआई सीक्रेट। ये कहाँ से मिलेगा, यूजर आईडी वो पता होगा, सुनिया का पासवर्ड पता है, टीयूटीपी आपको दिखाता हूँ कहाँ मिलता है। जैसे ही आप सुनिया में लॉग इन करिएगा, सुनिया में लॉग इन करने के बाद आप इस पे करिए क्लिक, और ये फिर जाइए आप सिक्योरिटी पे, ये है आपका टीओटीपी। आप इसे कॉपी करिएगा, इसे देखने की कोशिश करिएगा तो कंप्लीट नहीं दिखता है आपको, यहाँ पे दिख रहा है 6J तक ही, लेकिन पीछे और भी बहुत छिपा रहता है। सिंपल सा है, आप इसे कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लिया हमने, एक नोटपैड लेंगे, तो हमने एक पाईओटीपी, हम लोग हमारा क्या हो गया, पाईओटीपी का वैल्यू ये हो गया। सेकेंड हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेंडर कोड, एपीआई सीक्रेट। तो एपीआई सीक्रेट आपको आपको दिख जाएगा, एपीआई की कॉपी कर लीजिए, यहाँ पे आपको वेंडर कोड, आईएमआई और एपीआई की तीनों कुछ मिल जाएगा आपको। तो ये सारे वैल्यू आपको एपीआई की हो गया,
विंडो कोड हमने कॉपी कर लिया, विंडो कोड IMEI, ये ABCD1234 है, लेकिन ये कुछ भी डालिएगा फिलहाल, वो लोग वैलिडेट नहीं करते हैं, लेकिन ये डिटेल्स हमें रेडी हो गए। यूजर आईडी अपने को पता है, जैसे केस में इनके केस में यूजर आईडी है, यू से पहले तक जो भी वैल्यू रहता है ये इनका यूजर आईडी रहता है। तो ये डिटेल हमारे पास आ चुके हैं, 1 2 3 4 5, देखते हैं ये 5 ही इनपुट्स है हमारे पास, है ना। हाँ 5 इनपुट है। अब फाइल को रन करना है, सिंपल है, जहां भी हमने डाउनलोड कर रखा है यहाँ पे जाके हम लोग कमांड cmd लिखेंगे, cmd ओपन होगा, फिर हमें py लिखेंगे और फाइल नेम इंटर कर देंगे। मेरा क्रेडेंशियल शायद लॉक हो चुका हुआ होगा, ओहो करेक्ट, अभी तक लॉक नहीं हुआ है, तो ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिएगा सक्सेसफुल लॉगिन हो चुका है, और यहाँ भी सब्सक्राइब हो चुके हैं, और यहाँ पे डाटा आने चालू हो जाएंगे। तो दोस्तों आज हमने देखा फ्रेश से विंडोज पीसी में पाइथन कैसे इंस्टॉल करते हैं, हमने लॉरेन एपीआई कैसे इंस्टॉल करते हैं, हमारे कुछ लाइब्रेरी हैं लाइब्रेरी कैसे इंस्टॉल करते हैं, हमारे जो क्रेडेंशियल रहते हैं वो क्रेडेंशियल कैसे हम लोग जनरेट करते हैं, कहाँ कहाँ एंट्री करते हैं, और कैसे हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट को रन करते हैं। तो ये सारे स्टेप्स हमें, कुछ हमारे सब्सक्राइबर को प्रॉब्लम हो रही थी कि सर फाइल तो मिल गया, कोड भी दे दिया आपने, लेकिन रन कैसे करूँ ये पता नहीं है। तो ये वीडियो आज उन सारे लोगों के लिए डेडिकेटेड था। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू।